जैन साथियों, देखिए आपका सामान्य अध्ययन का जो 40 मार्क्स का टेस्ट चल रहा है उसमें आपका टेस्ट नंबर 7 का आपका पीडीएफ में फुल डिस्कशन आपको नहीं करवाए थे, यानी पीडीएफ आपको इसका डिस्कशन नहीं दिया गया था कुछ कारणवश से। तो चलिए हम आज इसका सोल्यूशन करवा देते हैं आपका फुल टेस्ट का। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन कर आपका कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 में किस वर्ष तक देश से ट्यूबरक्लोसिस बीमारी यानी टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो यह रखा आपका 2025 तक, ध्यान रखिएगा भारत सरकार 2025 तक देश से पूरी तरह से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन ई देने का कारण है कि बीपीएससी भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन का ऑप्शन ई देता है, इसीलिए तो आप कोशिश किए हैं कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आपका क्वेश्चन को सेट किया जाए, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ई दिया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, क्वेश्चन कर आपका कि देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रैक किस नदी के नीचे स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। अब देखिए यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्वेश्चन पूछा था आपका कि देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में स्थानीय चलाया गया है। तो ये इसका आंसर था आपका कोलकाता, आपको ध्यान होगा कोलकाता में आपका अंडर वाटर मेट्रो पहली बार बनाया गया है, ठीक है, देश में। तो ये तो आपका क्वेश्चन पूछ चुका है, अब क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा आपका कि ये अंडर वाटर मेट्रो किस नदी के नीचे बना है। तो यह बना है आपका हुगली नदी के नीचे, ठीक है, हुगली नदी के नीचे बना है। तो इसका आंसर होगा आपका हुगली नदी, आपका देखिए ये भी किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन वही बना सकता है जिसको 100% क्वेश्चन आपको याद हो आंसर, तभी आप बना सकते हैं, क्योंकि आपका ऑप्शन ई इसमें दिया रहता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका थर्ड है, क्वेश्चन कर आपका समुद्र में जहाज पलटने से हुए तेल रिसाव के कारण की वजह से किस देश ने फरवरी 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है। तो यह किया आपका त्रिनाद और टोबैको ने किया है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन फोर है और ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन फोर है कि गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के नाम बताइए जिसका ऐलान पीएम मोदी ने किया है। ध्यान रखिएगा इसका नाम प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, ये चार साइंटिस्ट है जिसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी ए और बी दोनों होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये चारों व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर का फाइव है, क्वेश्चन कर आपका कि किस विरासत स्थल को 2023 में भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह किया आपका शांति निकेतन और होशियल मंदिर को, ध्यान रखिएगा शांति निकेतन और होशियल मंदिर को 2023 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो आपका ए और बी दोनों होगा, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में भी आपका आंसर क्या था, डी था, एक से अधिक, और क्वेश्चन नंबर आपका फाइव में भी ऑप्शन क्या है, डी है, एक से अधिक। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मेरा पूरा कोशिश रहा है कि आपके एग्जाम पैटर्न पर ही क्वेश्चन को सेट किया जाए, क्योंकि यदि आपको यहाँ पर ऑप्शन डी लगाने का आदत लग जाएगा, यदि पहचान पाएंगे किस क्वेश्चन का आंसर एक से अधिक होगा, किसका इनमें से कोई नहीं होगा, तो आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। इसीलिए मेरा ऐसा कोशिश किया जा रहा है, ऐसे करते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का ये आपका यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए। यदि आपका यहाँ पर ऑप्शन डी और ई आपका सही होता है तो एग्ज़ाम में भी आपका ऑप्शन डी और ई सही होगा, टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है, ठीक है, टेस्ट इसलिए होता भी है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि नए संसद भवन में पहली बैठक का आयोजन कब की गई थी। ये क्या था आपका 19 सितंबर 2023 को, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो मुख्य वास्तुकार है इसका, ध्यान रखिएगा, यानी इसका था बिमल पटेल, ठीक है, इसका मुख्य वास्तुकार है बिमल पटेल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन क्या आपका, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था। देखिए ये क्वेश्चन अभी इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अभी आपका राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है आपका 2024 में, तो इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी आपका हाईलाइटेड टॉपिक है, ठीक है, हाईलाइटेड पॉइंट है, इसलिए आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर पर आपका अंतिम निर्णय था अयोध्या विवाद पर, यह दिया था आपका 9 नवंबर 2019 को दिया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन कर आपका संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाली देशों में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ये आपका 126वां है, ध्यान रखिएगा 126वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, ऑप्शन सी होगा। तो प्रथम स्थान पर कौन है, तो ध्यान रखिएगा प्रथम स्थान पर है फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर का 9 है, क्वेश्चन कर आपका, देखिए यहाँ से आपका करेंट का क्वेश्चन समाप्त हो गया, अब आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन कर रहा है बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी, करा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो उसमें विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे श्री राम दयालु सिंह। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो ये है राम दयालु सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई को अनिवार्यता को समाप्त कर दी थी। ये आपका इम्पोर्टेंट अभी है क्योंकि आपको ध्यान होगा हाल ही में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंट अफेयर का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये किया था आपका महामाया सरकार के नेतृत्व में और उस समय के तत्कालिक शिक्षा मंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी ही, ठीक है, उसमें तत्कालिक शिक्षा मंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी और कर्पूरी ठाकुर जी ने ही बिहार में क्लास 10th से अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था, ठीक है, अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था क्लास 10th से और उस दिन से अभी तक ये लागू है। इसलिए आप क्लास 10th में देखते होंगे कि इंग्लिश में आप फेल हो चाहे पास हो आपको पास कर दिया जाता है, ठीक है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो यह किया था कौन, तो महामाया प्रसाद उसमें मुख्यमंत्री थे और उसके मुख्यमंत्री की में यानी शिक्षा मंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है, इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अलेवन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए संथाल विद्रोह आपका हुआ था ये आपका 1855 से 1856 के बीच हुआ था। संथाल विद्रोह किसने किया था, सिद्धो और कानू नामक दो भाइयों ने किया था, ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1855 से 1856 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाई थी, तो ये बनाया था आपका ध्यान रखिएगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाए थे, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन कर आपका कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो ये था आपका कृषि मंत्री, ठीक है, उसमें यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कृषि मंत्री थे यानी कृषि मंत्रालय थे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टूडेंट का यानी कन्फ्यूजन था, ठीक है, तो आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन के समय जो वकालत छोड़े थे उसमें शामिल थे आपका सी आर दास, एक सेकेंड ध्यान रखिए, जो असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़े थे उसमें था सी आर दास शामिल थे यानी चित्रंजन दास, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे यानी जवाहरलाल नेहरू ने भी इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू भी इस्तीफा दे दिया था,
ठीक है, ध्यान रखिएगा मोतीलाल नेहरू, और आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के बाद आपका हो जाएगा आसफ अली, ठीक है, ये भी इस्तीफा दिया था, और आपका था सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू ये भी इस्तीफा दिया था वकालत से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा नाम, असहयोग आंदोलन के दौरान जो वकालत छोड़ी थी, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, आसफ अली और सैफुद्दीन किचलू, ये सभी थे जो इस समय यानी असहयोग आंदोलन के समय वकालत छोड़ दिया था। अब देखिए इस ऑप्शन में कहीं है तो किसी भी ऑप्शन में आपका कोई भी किसी का नाम नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से नाम आपका किसी का नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन करें आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सत्य नहीं है या सही नहीं है, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा, सही नहीं है कहने का अर्थ हुआ इसका मतलब क्या गलत है, सही नहीं मतलब क्या गलत है, इसको आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है या गलत नहीं है, ऐसे ऐसे वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है मतलब क्या गलत है, तो एग्जाम में कभी भी ऐसा शब्द है इसको काट दीजिएगा, घेर दीजिएगा, इसके आगे लिख दीजिएगा गलत है, ठीक है, इसमें आपको सोचने में थोड़ा सुविधा होता है। अब सोचिए, अब कह रहा है यह किसान से जुड़ा था, ये तो सही है, कह रहा है कौन सही नहीं है यानी गलत है, ये तो आपका सही है, इससे तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, ये भी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी इनसे गांधी के सहयोगी थे, ये भी सही है, ये तो तीनों सही है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्या कि कौन सा गलत है, सही नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो गलत तो इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसे आप एग्जाम में सोचिएगा तब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपसे, नहीं तो गलती से आपका मिस्टेक हो जाएगा, यानी मिस्टेक हो ही जाएगा आपका, सही नहीं है गलत है, ऐसे सही नहीं है उसको गलत लिख लीजिए, तब आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो 1917 ईस्वी में आपको पता होगा कि चंपारण में यानी तीनकठिया प्रणाली लागू था, तो इसी को समाप्त करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में यानी चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और गांधी जी का यह प्रथम सत्याग्रह था, ठीक है। क्वेश्चन का 16 है, क्वेश्चन कर आपका महात्मा गांधी जी के राजनीतिक जीवन के निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या है, अब देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल ये आपका 1918 में हुआ था, असहयोग आंदोलन ये आपका 1920 में हुआ था, ठीक है, और आपका है आगे आपका है यानी खेड़ा आंदोलन ये भी आपका 1918 में हुआ था, लेकिन मिल हड़ताल के बाद हुआ था, मिल हड़ताल के बाद हुआ था, इसमें देखा जाए तो आपका 1, 2, 3, 4 होगा, 1, 2, 3, 4 ध्यान रखिए, ये 3 में है, ठीक है, ऐसा ना लगे ये 4 में, ये 3 में है, इसलिए आपका 1, 2, 3, 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर आपका यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 5 में 10 बजे क्वेश्चन कर रहा है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा के अनुसार पूर्वाह्न में क्या है 10 बज रहा है, ठीक है 10 बज रहा है भाई, यानी 10 AM हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि जब जहाँ पर 92 डिग्री पूर्वी देशांतर है उससे आगे जाएंगे पूर्वी देशांतर पर तो वहाँ पर समय क्या होगा, आपको पता होगा कि जहाँ भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री कहते हैं तो 82.5 डिग्री को कहते हैं भारत का मानक समय रेखा, ये कितना है 92 डिग्री है, तो 92 डिग्री में से क्या कीजिए 82.5 डिग्री को माइनस कीजिए, तो 92 डिग्री में से जब हम 82.5 डिग्री को आप माइनस कीजिएगा तो ये आपका आएगा 9.5 डिग्री यानी 9.5 डिग्री, 9.5 डिग्री को हम लिख सकते हैं 9 × 18 एक 19/2 डिग्री लिख सकते हैं 19/2 डिग्री, यानी भारतीय मानक समय रेखा से कितने आगे है पूर्वी देशांतर में, तो ये है 9.5 डिग्री यानी 9.5 डिग्री हम लिख सकते हैं 19/2 डिग्री, ठीक है 19/2 डिग्री इतना आगे है। आपको पता है कि भारतीय मानक समय रेखा से जैसे जैसे हम पूरब जाएंगे वैसे वैसे हमको 1 डिग्री जाने में कितना मिनट लगेगा 4 मिनट का समय लगता है, तो ये 19.5 डिग्री गया है तो कितना समय लगेगा, तो 19 × 4 कर दीजिए 2 × 4 = 9, 19 × 2 = 38 यानी 38 मिनट समय उसको अधिक लगेंगे। अब यहाँ पर कितना बज रहा था 10 बज रहा था तो यहाँ पर क्या बजेंगे तो 10:38 पूर्वाह्न ही होंगे, ये यानी सुबह है तो ये भी आपका सुबह ही रहेगा, ठीक है तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10:38 पूर्वाह्न।
ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन का टाइप का, निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, यानी पूर्व से पश्चिम के क्रम में आपको देखना है। तो पूर्व से पश्चिम तो आपका जगह कंचनजंगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, तो इसमें देखा जाए तो कन्याकुमारी के पास में कौन है, ये आपका हो जाएगा कार्डम की पहाड़ी, ऑप्शन सी होगा। और कार्डम की पहाड़ी को ही हम इलायची पहाड़ी को भी कहते हैं, इलायची पहाड़ी भी कहते हैं हम कार्डम पहाड़ी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका है नीलगिरी पहाड़ी, इसके सबसे ऊंची चोटी आपका है टोडावेटा, सबसे ऊंची चोटी का है टोडावेटा है, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो आपका नीलगिरी पहाड़ी है, यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलती है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर यहाँ पर मिलती है, ये भी ध्यान रखिएगा नीलगिरी पर। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन का आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, मनार की खाड़ी में पाई जाती है, लेकिन कैम्ब्रेल की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, अच्छा क्वेश्चन था आपका। फर्स्ट में दिया है ब्राह्मणी, सेकेंड में दिया है नागावली, थर्ड दिया है सुवर्णरेखा, और आपका एक नदी होगा फोर्थ में वसुंधरा, ठीक है, ये आपका नदी दिया है। क्वेश्चन करा है कि उपरोक्त में से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है, ये क्वेश्चन टफ है, करा है कौन सी नदी आपका पूर्वी घाट से निकलती है। अब इसमें सोचिए आपकी कौन सा नदी है जो पूर्वी घाट से निकलती है, तो इसमें आपका सभी नदी के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, तभी तो आप बता सकते हैं। देखिए इसमें जो आपका है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी और सुवर्णरेखा नदी, ठीक है, ये दोनों जो है ये आपका रांची के पठार से निकलती हैं, ठीक है, झारखंड के रांची के पठार से निकलती हैं, ठीक है, रांची के पठार से निकलती है। तो आपका यहाँ का वन और थर्ड तो आपका ऐसे ही छट गया। अब बचा आपका ऑप्शन सेकेंड टू में नागावली, ठीक है, तो नागावली पूर्वी घाट से निकलती है सेकेंड, और वसुंधरा ये भी आपका पूर्वी घाट से निकलती है, तो टू और फोर हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, टू एंड फोर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आप फिर देखिए क्या करें, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत सुमेलित है, जब भी ऐसे वर्ड आए इसको लिख लीजिए आप यहाँ पर, कौन सा गलत सुमेलित है, ठीक है। अब देखिए एम है हुंडरू जलप्रपात, तो ये आपका सुवर्णरेखा नदी पर है, बिल्कुल सही है। चंपाई प्रपात बिहार नदी पर, ये भी सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, ये भी सही है, ठीक है। तीनों आपका मिलान तो सही है, अब क्वेश्चन करें कौन सा मिलान गलत है, तो भाई तीनों का तीनों मिलान आपका सही है, यानी कोई भी गलत नहीं है, इसीलिए आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो समझदारी से क्वेश्चन को बनाइएगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर आपका कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है, तो उत्तर बिहार की जलवायु होता है CWG से इसके डिनोट करते हैं, ऑप्शन ए होगा। दक्षिण बिहार पूछा जाए तो AW हो जाएंगे, ठीक है। कोपेनहेगन के अनुसार दक्षिण बिहार को जलवायु पूछा जाए आपका, तो ये आपका AW हो जाएंगे। उत्तर बिहार को पूछा जाए तो CWG हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, BPSC द्वारा। क्वेश्चन आपका 24 है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यानी ट्रिप्स यानी ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग के लाभ है, कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का लाभ है, ऑप्शन वन में खर पतवार में कमी, बिल्कुल सही है। सेकंड है मृदा लवणता में कमी, तो मृदा लवणता में कमी। थर्ड में है मृदा अपरदन में कमी, ये तो थर्ड सही है मृदा अपरदन में कमी, लेकिन सेकंड आपका गलत है, मृदा लवणता में कमी नहीं होता है, मृदा लवणता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, मृदा के लवणता में वृद्धि हो जाते हैं, यानी आपका सही देखा जाए तो केवल वन एंड थर्ड है, ऑप्शन सी हो जाएगा, वन एंड थर्ड।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन कर आपका कि जब किसी चालक बिलियन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, कराए या इंकित करता है। ठीक है, बिलियन है तो यह आपका हो जाएगा रासायनिक प्रभाव, तो विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहते हैं उसे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन कर आपका नेत्र का वह भाग इसमें प्रकाश प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। ठीक है, प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है ये आपका है यानी आयरिस, आयरिस आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, इसी का नाम है परितारिका। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 27 है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है यानी हमेशा सही है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। बी में कह रहा है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, बी तो गलत है। एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ये भी गलत है। एक परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, आपका ऑप्शन ए ज़्यादातर सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपका बाहर में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और इसका जो यानी मास नंबर होता है ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है मास नंबर, और जो आपका परमाणु संख्या होता है ये आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, परमाणु संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा वायरस, विषाणु, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वायरस क्रिस्टल रूप में बन सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। यानी क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन कर रहा है वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो कोशिका भित्ति राइबोसोम में नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 30 है, क्वेश्चन कर रहा है वेग समय ग्राफ की प्रवणता प्राप्त होता है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देंगे। तो देखिए इसका स्लोप आपका होता है dv/dt, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा dv/dt होता है, और ये स्लोप है, और आप जानते होंगे कि dv/dt क्या होता है, ये ग्राफ आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका स्लोप आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका स्लोप आपका हो जाएगा dv/dt, और dv/dt क्या होता है एक्सलरेशन होता है, तो ध्यान रखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यानी स्लोप क्या देगा, तो एक्सलरेशन देगा यानी त्वरण देगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो आप कहिएगा ये डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 31 है, क्वेश्चन कह रहा है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है, ध्यान रखिएगा। देखिए न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये कभी भी एक वस्तु पर लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा एक वस्तु पर लागू नहीं होता है। देखिए एक वस्तु पर यदि आप ये बल लगाते हैं तो ये वस्तु पर बल लगाएं तो आपको दूसरे वस्तु पर वो इतना ही बल लगाता है। ठीक है, उतना ही बल आपका दूसरा वस्तु पर लगता है, सेम वस्तु पर नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। यही पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सदैव वे सदैव दो विभिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। देखिए दोनों का फोर्स का मान सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन ये दोनों फोर्स आपका एक वस्तु पर नहीं लगता, दोनों डिफरेंट वस्तु पर लगता है, ध्यान रखिएगा एक वस्तु पर लग भी नहीं सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यह थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन था, समझ रहा था आपका तब आपसे क्वेश्चन बन पाता। ठीक है, क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन कर आपका दो कण कुछ दूरी पर रखे गए हैं, कर दोनों कणों के द्रव्यमान दुगुनी कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। सिंपल है, देखिए ये आपका यहाँ पर आपका मास m1 है, यहाँ पर मास आपका m2 है, ये दूरी r है, दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, कितना लगता है तो g m1 into m2/r², ये आपका फोर्स होता है दो मास के बीच। अब कह रहा क्या दूरी को कांस्टेंट रखते हैं तो इससे हमको मतलब ही नहीं, दूरी कांस्टेंट लग रहा है, अब कह रहा मास को चेंज कर रहे हैं, जब दूरी कांस्टेंट हो तो ये आपका फोर्स होगा ना ये मास के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ध्यान रखिएगा ये भी कब होगा जब आपका दूरी क्या हो कॉन्स्टेंट हो,
यानी चेंज नहीं होता हो। तो आप देखिए क्या कर रहा है, यानी मान लीजिए अभी फोर्स F1 है, ये M1 इंटू M2 का गुणनफल है, बाद में फोर्स F2 हो गया, अब मास के साथ दोगुना कर रहा है तो 2M1 होगा, यहाँ पर इंटू 2M2 होगा, तो यहाँ पर फोर्स 2 जो है ये आपका 4M1 इंटू M2 हो जाएगा। यहाँ से दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा F1 बटे F2 बराबर 1/4 आ जाएगा। यहाँ से F2 निकालिएगा तो आपका जगह F4 यानी 4×F1 आ जाएगा। यहाँ से F2 आपका 4×F1 आ जाएगा, यानी ये आपका 4 गुना क्या हो गया, फोर्स 4 गुना हो गया। दोनों का मास दोगुना किए तो फोर्स बीच में क्या हो गया, 4 गुना हो गया, ऑप्शन बी आ जाएगा, सिंपल है। अब आपका यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट है, क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन क्या आपका कि एक इंजन जिसकी पहिए की परिधि क्या है, 7.5 सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ध्यान रखिए, हटाइएगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पर मीटर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, एक इंजन की जो पहिए का परिधि दिया है ये 7.5 सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, तो उसको आप क्या कीजिएगा, मीटर कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया है, ठीक है, मीटर कर लीजिएगा। करें 9 सेकंड में 7 चक्कर लगाते हैं तो गाड़ी की गति क्या होंगे, सिंपल है, आप ध्यान दीजिए। देखिए 9 सेकंड में 7 चक्कर लगाते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं कितने सेकंड में, 9 सेकंड में लगाते हैं, तो भाई 1 चक्कर कितना सेकंड लगाएंगे, तो 9/7 सेकंड में 1 चक्कर लगाएंगे। और 1 चक्कर क्या होता है, तो जितना परिधि होगा ना उतना ही दूरी वो 1 सेकंड में, सॉरी 1 चक्कर में तय किया होगा, तो यानी 1 चक्कर में इसको लगाने में कितना समय लग गया, 9/7 सेकेंड लग गया। तो 1 चक्कर लगाने में 9/7 सेकेंड लग गया, और 1 चक्कर में दूरी कितना लगा है, तो दूरी हमें दिया है कितना, 7/14 = 15/2 मीटर, यानी जो परिधि होता है ना वही आपका 1 चक्कर में वो दूरी तय करेंगे परिधि के बराबर, ठीक है। तो यानी हमें पता हो गया दूरी भी और समय भी, तो चाल क्यों नहीं निकलेगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, यहाँ कर दीजिए आंसर आ जाएगा, दूरी 15/2 है और आपका समय है 9/7 है, तो आपका आ जाएगा यहाँ से चाल 15/2 9/7, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 3 × 3 = 9 × 3 = 15, यहाँ से आपका भी आ जाएगा कितना, तो आपका आएगा 7×35 / 3×6, 35/6 आएगा, 1 सेकेंड, 35/6 आएगा, ठीक है, 35/6 आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 35/6 तो आएगा लेकिन ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, ऑप्शन दिया आपका किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे उसको बदल देंगे, किससे गुना करेंगे, तो हम गुना करेंगे 18/5 से गुना करेंगे, 5 × 5 = 35, 6 × 6 = 18, आपका आ जाएगा 21 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आ गया 21 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखिए 21 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन कह रहा आपका कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बुझाए वाले 3 घन किसी घन धातु से बने हैं, तो करा इसको गलाकर एक नया घन बनाते हैं, तो उसका भुजा क्या होगा, सिंपल, जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा है गलाने वाले, तो तीनों का क्या होगा, इस तीनों का आयतन का योग हो जाएगा बड़े घन के आयतन के योग के बराबर, तो यहाँ आयतन क्या था, घन का आयतन भुजा क्यू होता है, तो ये आपका जगह 3 × 4 × 5 × Q, यहाँ से आपका जगह 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27, 4 × 16 = 64, 5 × 25 = 125, यहाँ से ए क्यू आएगा, इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा 216 आएगा, यहाँ से आपका ए आ जाएगा 216 का क्यू रूट, ये आपका जाएगा 6 आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है, यहाँ पर थोड़ा सा आपका यहाँ पर क्या होगा, बट्टा हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर एक लकीर आपका नहीं है, आपका इसका मान क्या होगा, सिंपल देखिए यहाँ पर क्या क्या है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू ए इंटू बी सॉरी ए इंटू बी यानी ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 0.05 को हम ए मान लेते हैं, ये आपका ऊपर में आ जाएगा क्या, ए क्यू आ जाएगा, ध्यान से देखिए तीनों सेम है ना, गुना है ना, तो ऊपर में आपका आ जाएगा, ध्यान रखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी
बट्टे बी स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। आप जानते हैं एम एस बी को हल क्यों, एम ए क्यू माइनस बी क्यों क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया, कट जाएगा, बचेगा आपका सिर्फ ए माइनस बी। यहाँ से आपका बच जाएगा ए माइनस बी बचेगा। फाइनली ए किसको माने थे, 0.05 को माने थे, बी किसको माने थे, 0.04 को माने थे। इसको घटा दीजिए आपका आएगा 0.01 किस में है, किसी में नहीं है, ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। 0.01 किसी में नहीं, ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की एक टंकी के तल में दो छेद है ए और बी, केवल ए छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 30 मिनट में खाली हो जाती है और केवल बी को खोलने पर वो 20 मिनट में खाली हो जाती है। करा यदि 10 मिनट तक, यहाँ मिस्टेक है, यदि 10 मिनट तक दोनों छेद खोलकर बी को बंद कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, करा कि ए जो है उसको खाली करने में 30 मिनट का समय लगता है, बी को जो लगता है कितना, 20 मिनट का। दोनों कैल्शियम कीजिए 60 आएगा, 30 × 60 20 × 60 इफिशेंसी ए का 2 आ गया, बी का 3 आ गया। अब क्या करें, दोनों को 10 मिनट का खोल दिया जाए तो दोनों का इफिशेंसी कितना हो जाएगा, 3×2 5 हो जाएगा। 10 मिनट में कितना भर जाएगा, 10×5 50 पार्ट भर देंगे, टोटल कार्य कितना है 60 है, बच कितना जाएगा तो 60 में से 50 करेंगे तो 10 कार्य बच जाएगा। ये कौन करेगा, तो बी को बंद कर दे, ए करेगा, ए का इफिशेंसी कितना है 2 है, तो 10/2 करेंगे तो 5 मिनट यानी, और एक को कितना समय लग गया, 5 मिनट समय एक को लग गया, और 10 मिनट तो पहले दोनों साथ में भरे थे, यानी 10 मिनट पहले का और 5 मिनट अभी का, तो टोटल समय कितना गया, 15 मिनट समय लग गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 मिनट। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन कर आपका 11 और 90 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। सिंपल है, 7×14 से स्टार्ट होगा, 7×21 7×4 28 करते करते आपका कहाँ तक होगा, तो 84 तक होगा। ये एपी से देख लीजिए, आपका होगा टीएन लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म, यहाँ से डी निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस 7 आ जाएगा, तो यहाँ से हम फार्मूला यूज करेंगे टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1×डी। एन में पता आपका कितना है 84 है, ए कितना था 14 है, एन नहीं पता है, एन माइनस 1×डी कितना है 7 है, इसको इधर लाइए आपका आएगा 70, यहाँ से आएगा एन माइनस 1×7 7 से काटिए 7×70, यहाँ से आपका आ जाएगा 10 = n-1, यहाँ से आपका आ जाएगा एन बराबर 10×11, यानी टोटल कितना संख्या है 11 है, ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 11 इसका आंसर होना चाहिए था। क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन कर आपका कि एक परिवार में एक पिता और माता की औसत आयु कितना है 36 है, तो पिता और माता की टोटल आयु कितना होगा, तो 36×2 72 हो जाएंगे। और कह रहे हैं इसमें पिता माता उसकी इकलौती बेटी, अब देखिए क्या कह रहा है, पिता प्लस माता प्लस बेटी है, इसकी औसत कितनी है तो 28 है, तो 28 तीन व्यक्ति है, 3 से गुना कर दीजिए, 28 दिया 8×3 24 3×6 7 3×6 2 8 यानी 84 हो गया। तो ये 84 है तीनों को मिलाकर, ये 72 है माता पिता मिलाकर, तो बेटी का भी नहीं निकल जाएंगे, क्या करेंगे 84 में से 72 घटा देंगे, तो 84 में से 72 घटाइए तो कितना आएगा 12 आएगा, यानी बेटी का आयु कितना है 12 वर्ष है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन कर आपका 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर बेचना चाहिए। सिंपल है भाई, जब 150 बेच रहे तो 25% की हानि हो रही है, यानी 75% कितना है, 75% कितना है भाई, 75% 150 है, कर 20% लाभ कमाने के लिए नहीं 120% कितना होगा, तो 75% आपका कितना है 150 है, तो 1% 75/150 होगा 120% कितना होगा, तो 75×150 तो ये आपका 120×240 आ जाएगा, यानी 240 रुपये प्रति दर्जन उसे बेचना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन आपका 40 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योगफल उनके प्रथम 19 पदों के योगफल के बराबर है, ठीक है, तो कह रहा प्रथम 30 पदों का योगफल क्या होगा,
अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि प्रथम एक समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योगफल, तो 11 पदों का योगफल पहले एस एन फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, क्या होता है एन बाय टू इंटू, क्या होता है एस एन बराबर होता है आपका एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, इसी का यूज करेंगे। कह रहा है 11 पदों का योग तो 11 बटे 2 हो जाएगा इंटू टू ए, ये नहीं पता हमको एन माइनस, तो एन आपका 11 यानी 10 डी हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 10 डी बराबर, ये कह रहा है किसके बराबर है तो 19 पदों के योग बराबर, तो 19 बटे 2 हो जाएगा इंटू टू ए प्लस यानी आपका 19 में से गया तो 18 डी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कर दीजिए, ये आपका आएगा 11 दुनी 22 ए बराबर 11 देंगे 110 डी, 19 दुनी 38 ए प्लस 19 को 18 से गुना कीजिए इंटू डी कीजिए, यहाँ से आप इसको गुना करके लिखिएगा, ठीक है, गुना करके लिखिएगा और बताइएगा कितना आ रहा है, ठीक है। जब इसको आप गुना करके लिखिएगा तो ये आएगा आपका यानी 22 ए है यहाँ पर 38 ए है, इसको इधर ले जाइए तो आपका आ जाएगा 38 ए माइनस 22 ए बराबर, इधर आपका आया था कितना 110 डी आया था, उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे यानी 18 गुणे 19 करेंगे तो 342 आता है, ठीक है, ये डी आ गया। यहाँ से हमका आ जाएगा कितना 16 ए बराबर आ जाएगा माइनस 16 ए बराबर आपका आ जाएगा एक सेकेंड माइनस 232 डी, इसको ध्यान रखिए 16 ए बराबर माइनस 232 डी, इसको ध्यान रखिए अब क्वेश्चन बन जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्रथम 30 पदों का योगफल, तो 30 पदों का योगफल क्या होगा एस एन बराबर एन बाई टू, यानी 30 बटे टू टू ए प्लस एन माइनस वन, तो 30 है तो 30 में से गया तो 29 इंटू डी, यही होगा 30 बटे टू कितना होगा 15 होगा। अब यहाँ देखिए क्या है था 2a प्लस, यहाँ पर क्या था आया था, यहाँ पर आया था आपका 16 ए बराबर माइनस 232 डी, तो यहाँ से डी निकालेंगे क्या आएगा आपका डी आएगा 16 ए बटे माइनस 232 आएगा, तो यही पर हम क्या करेंगे 29 इंटू डी की जगह हम यहाँ इसका यूज कर देंगे यानी माइनस 16 ए बटे 232 के यूज करेंगे, तो 29 को आप गुना कीजिएगा किससे, 29 को 8 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 232 और 8 दुनी 16, यहाँ देखा जाए तो आपका आ गया कितना 15 इंटू 2a माइनस 2a आ गया, 2a में से 2a का तो 0 आ गया यानी 15 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। और आप लोग को इसका आंसर ए नहीं आ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट बताया कि इसका आंसर गलत है, गलत नहीं है, गलत आपका प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका आंसर कैसे आपका ऑप्शन ए आया है। तो ये था आपका यानी टेस्ट नंबर 7 और ये इसका फुल ये आपका डिस्कशन था, तो आप लोग ये इस वीडियो को देख कर बताइएगा कि यह टेस्ट आपको कैसे लगा। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है 9667100845, ठीक है, अभी टेस्ट चल रहा है आपका, एग्ज़ाम तक चलेंगे, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।